हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल लाइफ्स कैलकुलेशंस। जिस न्यूज़ का हमें आपको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था कि इंग्लिश में रिडक्शन हो गई, अपनी लैंग्वेजेस में रिडक्शन हो गई सिलेबस में, तो बाकी सिलेबस की, बाकी सब्जेक्ट्स की जो रिडक्शन है वो कब होगी? तो वो जस्ट बाय इवनिंग ओनली वी गॉट द नोटिफिकेशन फ्रॉम CISCE, जो हमारी काउंसिल है, उसकी तरफ से ये नोटिफिकेशन आ चुका है कि ICSE के सब्जेक्ट्स में और ISC के कुछ सब्जेक्ट्स में जो है रिडक्शन फॉर द ईयर 2022 हो चुकी है। तो अभी आई गेव यू द न्यूज़ अर्लियर, बाय इवनिंग आई अपलोडेड वन वीडियो जिसमें मैंने बताया था कि भाई न्यूज़ आ चुकी है, लेकिन डिटेल्ड उसमें क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, रिडक्शन कहाँ कहाँ हुई है, कौन से चैप्टर्स रिमूव किए हैं, कौन से चैप्टर्स में से सिर्फ कुछ पोर्शंस रिमूव्ड हुए हैं, उनको बहुत डिटेल में देखना था। तो वो अब मैं 2-3 आवर्स लगा करके देख चुकी हूँ आप सब की तसल्ली के लिए। ईच एंड एवरी वर्ड, ईच एंड एवरी लाइन आई हैव मैच्ड विद द सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड व्हेन वी स्टार्टेड दिस 10th क्लास, और जो अब पेंडेमिक के बाद का सिलेबस, रिडक्शन वाला सिलेबस आया, उसका ईच एंड एवरी वर्ड, ईच एंड एवरी लाइन आई हैव कंपेयर्ड, ताकि कहीं कुछ कमी ना रह जाए, आपको हमारे चैनल के थ्रू एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन जाए, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जाए, जिसके कि ऊपर रिलाई कर सकें आप और बार बार आप हमारा चैनल देख सकें। तो चैनल के लिए भी और आपके बच्चों की वेलबींग के लिए भी, अब मैं आपको जो है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स के लिए, मैथ्स जिसके ऊपर कि हमारा चैनल बेस्ड है, तो मैथ्स में व्हाट आर द रिडक्शंस फॉर ICSE फॉर द ईयर 2022, उसके लिए डिटेल्ड मैं आपको जो है इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। स्टे ट्यून्ड, डोंट मिस एनी वर्ड, ये सब आपके काम आने वाला है और सिर्फ आप ही के लिए है ये जो वीडियो हम लेके आएंगे। तो अब हम देखेंगे व्हाट इज़ द रिडक्शन फॉर द ईयर 2022 फॉर द सिलेबस ऑफ मैथ्स फॉर द 10th क्लास। तो चलो डिटेल में देखते हैं कि अब सब क्या है उसमें। सो स्टूडेंट्स, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है, फॉर योर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आई हैव रिटन ऑल द चैप्टर्स यूनिट वाइज, जो कि हमारे सिलेबस में बुक में दे रखे थे। अब चैप्टर वाइज वी विल डिस्कस दैट विच चैप्टर हैज़ बीन रिमूव्ड, द चैप्टर इन विच देर इज़ नो चेंज, या कोई ऐसा चैप्टर जिसमें से एक्सक्लूसिवली कोई पोर्शन ही रिमूव हुआ है, तो फुल इन्फॉर्मेशन ऐसे हम चैप्टर वाइज, ईच एंड एवरी चैप्टर वी विल डिस्कस इन डिटेल, ठीक है। तो ये है हमारा रिड्यूस्ड सिलेबस फॉर द ईयर 2021-22, अभी जो आज की रिडक्शंस हैं, और आज की अगर बोले तो इट इज़ द इंफॉर्मेशन वी रिसीव्ड ऑन July 9, 2021, एक्सक्लूसिवली ब्रेकिंग न्यूज़, बिल्कुल अपडेटेड न्यूज़ आपके लिए। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 का, वो उसका जो GST चैप्टर है, देर इज़ नो चेंज, वो चैप्टर एज इट इज़ जो है हमारे सिलेबस में इंक्लूड करके रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 आता है बैंकिंग, सो बैंकिंग आल्सो हैज़ गॉट नो चेंज एट ऑल, बैंकिंग फुल हमारे सिलेबस में बिल्कुल ऐसे ही इंक्लूड होगा जैसे कि वो विदाउट रिडक्शन जिस पार्ट में वो था जैसा था, सो देर इज़ नो चेंज। अब बात आती है शेयर्स एंड डिविडेंड की, which was there in chapter as chapter number 3, shares and dividend has been totally removed, so इसको हम लिखेंगे, इसका कुछ भी नहीं हम करेंगे, ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है चैप्टर 2022 के एग्ज़ाम में, शेयर्स एंड डिविडेंड में से हमें कुछ भी नहीं आएगा, दिस चैप्टर हैज़ बीन टोटली रिमूव्ड। नाउ वी विल डिस्कस योर चैप्टर यूनिट नंबर 2, दैट इज़ चैप्टर नंबर 4 से शुरुआत करते हैं, लीनियर इनइक्वेशन नो चेंज एट ऑल, फुल चैप्टर इज़ देयर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नो चेंज इज़ देयर, फुल चैप्टर, ओके। चैप्टर नंबर 6, सॉल्विंग सिंपल इक्वेशंस बेस्ड अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नो चेंज एट ऑल, जितना बुक में है, जितना आपके टीचर्स ने ऑलरेडी करवा चुके हैं या करवाएंगे, दैट विल बी देयर फुल, ठीक है। उसके बाद चलते हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन, रेशो एंड प्रोपोर्शन ऐसा चैप्टर है जिसमें से कुछ पार्ट रिमूव हुआ है, ठीक है, वो जो पोर्शन रिमूव हुआ है उसको मैं आपके साथ वीडियो के एंड में डिस्कस करने वाली हूँ। आपने ये याद रखना है कि इसमें से सम पोर्शन हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वो क्या है वो बाद में देखते हैं। चैप्टर नंबर 8, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, नो चेंज एट ऑल, कोई चेंज नहीं है, फुल चैप्टर आएगा।
चैप्टर नंबर 9 मैट्रिसेस नो चेंज, जितना टीचर्स करवा चुके हैं वो सब कुछ आएगा। चैप्टर नंबर 10 एपी में से कुछ पोर्शन रिमूव हुआ है, पोर्शन बोलें तो ऐसे बोल सकते हैं कि एक एक्सरसाइज रिमूव हुई है या 10 क्वेश्चंस रिमूव हुए हैं लाइक दिस, उसके ऊपर मैं आपको अलग से वीडियो में बताने वाली हूँ, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। चैप्टर नंबर 11 था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, दिस चैप्टर हैज़ बीन टोटली रिमूव्ड। अब टीचर्स जो मैथ्स के टीचर जो ICSE के इस वीडियो को देख रहे हैं वो दे विल अग्री कि जितना जो रिडक्शंस पिछले साल हमें मिली थी, पिछले साल का मतलब है कि फॉर द ईयर 2021 में जो पेंडेमिक के वजह से जो रिडक्शंस मिली थी अभी तक रिडक्शंस एग्जैक्टली सेम चल रही हैं। नाउ वी कम टू यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 की बात करें तो सीधे तौर पर बोले हुए चैप्टर नंबर 12 रिफ्लेक्शन में नो चेंज, चैप्टर 13 सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला में नो चेंज, चैप्टर 14 इक्वेशन ऑफ लाइन में नो चेंज। बड़ा ही टेक्निकल यूनिट है और सब कुछ आएगा वट एवर आपके टीचर्स बताएंगे। नाउ अब हम चलते हैं यूनिट 4 की तरफ। यूनिट 4 में आते हैं चैप्टर्स 15, 16, 17, 18, 19। इनके बारे में बात करें तो सबसे पहले चैप्टर 15 सिमिलैरिटी की बात करेंगे। सिमिलैरिटी में से मेजर पोर्शंस रिमूव हुए हैं, और एक बात बता दूं, सिमिलैरिटी बच्चों को टफ भी लगती थी, बहुत ज़्यादा बच्चे इससे घबराते थे, तो इसमें मेजर पोर्शन रिमूव हुआ है। मतलब अब टीचर्स के लिए बात यह है कि पिछले साल जितनी इसमें रिडक्शन हुई थी इस बार उससे भी ज़्यादा हुई है, तो बड़ा बेसिक सा सिमिलैरिटी बचा है जिसमें हमें सिर्फ ट्राइंगल्स को सिमिलर ही प्रूव करना, नथिंग मोर देन दैट, ये बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। लोसाई चैप्टर हैज़ बीन टोटली रिमूव्ड, ठीक है, ये बिल्कुल फिनिश हो चुका है, बिल्कुल पिछले साल भी फिनिश हुआ था ये। अब आते हैं चैप्टर नंबर 17 सर्कल्स में। सर्कल्स में क्या है कि ये समझें कि कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी विदाउट प्रूफ, ऑलरेडी भी विदाउट प्रूफ थी, अभी भी विदाउट प्रूफ है, सीधा मान के चले नथिंग रिमूव्ड। तो मैं दोबारा से इसको एक बार एम्फसाइज कर देती हूँ, देयर इज नो चेंज इन द सर्कल्स ऑल्सो। चैप्टर 18 की बात करें टेंजेंट्स एंड इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स में, ये थोड़ा सा शॉकिंग है, पिछले साल में इसमें से काफ़ी चैप्टर रिमूव, काफ़ी प्रॉपर्टीज़ रिमूव हुई थी, 50% चैप्टर बचा था, लेकिन इस बार कुछ भी रिमूव नहीं है। सिर्फ यही छोटी सी बात है कि ऑल थ्योरम्स विल बी टॉट विदाउट प्रूफ, लेकिन थ्योरम्स की जो एप्लीकेशन है दैट हैव बीन रिटेन्ड, मतलब थ्योरम्स की एप्लीकेशन करेंगे, सीधी बात है एक्सरसाइज सारी सॉल्व करनी पड़ेंगी, सब सिर्फ थ्योरम्स का प्रूफ नहीं करेंगे। तो ये थोड़ा सा शॉकिंग है कि पिछले साल इसमें रिडक्शन हुई थी, इस बार नहीं है रिडक्शन। चैप्टर नंबर 19 की बात करें कंस्ट्रक्शंस, पिछले साल भी रिमूव हुआ था, दिस ईयर आल्सो हैज़ बीन टोटली रिमूव्ड, कंस्ट्रक्शंस जो हैं टोटली रिमूव हो चुकी हैं। स्टूडेंट्स अब बात करेंगे यूनिट नंबर 5 की मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का कुछ पार्ट रिमूव हुआ है, ठीक है, कुछ पोर्शन रिमूव हुआ है, तो उसको हम देखेंगे डिटेल में कि वो क्या है बाद में, ओके, सम पोर्शन पूरा नहीं। अब यूनिट नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है और हाइट्स एंड डिस्टेंसेज है यूनिट नंबर 6 में, जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री को कंप्राइज करता है। तो नो चेंज एट ऑल इन बोथ द चैप्टर्स 21 एंड 22 एज इट इज़, बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं, बच्चे अच्छे से करते हैं, तो नो चेंज। अब आते हैं यूनिट नंबर 7, वो क्या है स्टेटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, सिंपल सा हिस्टोग्राम और ऑजीव्स ड्रॉ करने के मेथड बता रखे थे, नो चेंज एट ऑल हियर आल्सो। चैप्टर 24 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में से पोर्शन रिमूव हुआ है, वो क्या पोर्शन रिमूव हुआ है आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ विद यू, वो बाद में देखते हैं। अब आता है चैप्टर 25 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में देर इज नो चेंज एट ऑल। अब हम फाइनल समरी देखते हैं इस सब की। फाइनल समरी के लिए सबसे पहले आ जाते हैं हम इस पार्ट पे कि रिड्यूस्ड सिलेबस फॉर मैथ्स 2022 बाय ICSE, ओके, चैप्टर्स रिमूव्ड कौन कौन से हैं, दिस इज़ द समरी। चैप्टर्स रिमूव हैं नंबर 3 चैप्टर शेयर्स एंड डिविडेंड, ये जो चैप्टर्स हैं दे हैव बीन टोटली रिमूव्ड, कुछ भी नहीं करेंगे हम इसमें से, एग्ज़ाम में ये पोर्शन बिल्कुल नहीं आएंगे, ये चैप्टर बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे। वो हैं शेयर्स एंड डिविडेंड, उसके बाद है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चैप्टर 11, देन देर इज़ चैप्टर 16 लोसाई, उसके बाद है चैप्टर 19 कंस्ट्रक्शंस। चार चैप्टर्स को बिल्कुल क्रॉस लगा देना है, दीज हैव बीन टोटली रिमूव्ड। अब आ जाते हैं उस पोर्शन की बात करेंगे वेयर द सम पोर्शंस ओनली,
कि मानो कुछ एक्सरसाइज चली गई या कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रॉपर्टीज रिमूव हो गए, रेस्ट ऑफ द चैप्टर विल बी देयर। वो अब चैप्टर्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो चैप्टर जो रिमूव, जिसका पोर्शन रिमूव हुआ, दैट इज योर चैप्टर नंबर 7, डायरेक्ट सिंपल एप्लीकेशंस ऑन प्रोपोर्शंस ओनली हैव बीन रिमूव्ड। चैप्टर का नाम था रेशो एंड प्रोपोर्शन। इसमें से मतलब ये मानो कि कोई 5% चैप्टर हैव बीन रिमूव्ड, सीधी बात है, ज़्यादा नहीं। रेशो एंड प्रोपोर्शन हमें करना ही है, 95-96% कुछ पार्ट इसका जो है रिमूव हुआ होगा, वो मैं सिंपल एप्लीकेशन ऑफ प्रोपोर्शन जो है वो रिमूव हुई है यहाँ पे, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 एपी में से एपी की सिंपल एप्लीकेशंस रिमूव हुई हैं, इसका मैं आपको बाद में बता दूंगी। वन एक्सरसाइज, इसके मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी कि वो सिंपल एप्लीकेशन कौन सी हैं, वो कौन सी एप्लीकेशन है एपी की जो रिमूव हुई हैं, ठीक है। तो मैं इसके बारे में आपको बताने वाली हूँ बाद में। अब आते हैं हम सिमिलैरिटी के जो मेजर पोर्शंस रिमूव हुए हैं। एज ए साइज ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल रिमूव हो चुका है, एप्लीकेशंस टू मैप्स एंड मॉडल सिमिलैरिटी में रिमूव हो चुका है टोटली। एप्लीकेशंस ऑफ बीपीटी, जो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट था सिमिलैरिटी चैप्टर का, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की एप्लीकेशंस हैव टोटली बीन रिमूव्ड। उसके बाद एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ये इंपॉर्टेंट थी, इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता था, इट वॉज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, प्रॉपर्टी वो रिमूव हो चुकी है। मतलब माने सीधी बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि एक एक्सरसाइज ही बची है, बाकी सब रिमूव हो गई हैं। इसके ऊपर मैं बुक के पेजेस दिखा करके आपको मैं बताऊंगी। वेट फॉर माय अनदर वीडियोस, कमिंग वीडियोस, सिमिलैरिटी के बुक का पेज आप मेरे साथ बैठेंगे, मैच करेंगे हम कि कौन सी एक्सरसाइज है और कौन सी नहीं है, ठीक है। मेजर प्रॉपर्टीज़ का नाम मैंने आपको बता दिया, विच हैव बीन टोटली रिमूव्ड। उसके बाद चैप्टर 18 में, जिसका मैंने पहले डिस्कस किया है, टेंजेंट्स एंड इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स में से इस बार कुछ भी नहीं गया, सिर्फ यही है कि ऑल थ्योरम्स आर विदाउट प्रूफ, बाकी सब हमें करना है। चैप्टर 20 मेंसुरेशन में से, जस्ट लाइक प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर की तरह, स्फीयर हैव बीन टोटली रिमूव्ड, ठीक है। स्फीयर पार्ट रिमूव हो चुका है इसमें से, तो स्फीयर के जो कॉम्बिनेशंस हैं, स्फीयर के कन्वर्जन्स हैं, स्फीयर के सरफेस एरियाज हैं कैलकुलेट करने वाला, उसकी इनर आउटर जो होता है हमारा, या मेल्टिंग रिकास्टिंग, कोई भी टाइप के क्वेश्चंस हैं स्फीयर के, वो रिमूव हो चुके हैं जस्ट लाइक लास्ट ईयर। बाकी हमारे पास बचता है क्या, कोन एंड सिलेंडर, उसी के कॉम्बिनेशन, उसी के कन्वर्जन्स, उसी के मेल्टिंग, दोज विल बी इंक्लूडेड, स्फीयर रिमूव हो चुका है। मीन एंड मीडियन और मोड, चैप्टर नंबर 24 की बात करें, जिसका क्या नाम था हमारे पास, चैप्टर नंबर 24 है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये नई रिडक्शन हुई है इस साल जो कि पिछले साल नहीं थी। देखो अभी तक हम क्या करते थे, वी यूज टू डू मीन मीडियन मोड ऑफ रॉ डाटा, अरेड डाटा, कॉन्टीन्यूअस डाटा, डिसकॉन्टीन्यूअस, सब कुछ करते थे। अब सिर्फ क्या रिमूव हुआ है, देखो मीन मीडियन मोड फॉर रॉ एंड अरेड डाटा हैव बीन रिमूव्ड। सिर्फ क्या बचता है, मीन मीडियन मोड ऑफ द कॉन्टीन्यूअस डाटा ओनली हैव बीन इंक्लूडेड, बाकी सारा रॉ और अरेड डाटा के लिए उसने रिमूव कर दिया है, ठीक है। लेकिन जो मीन के सारे मेथड्स थे वो अभी भी हैं, लेकिन उनमें कंपल्सरी नहीं है, बाय नेम नहीं आएंगे उसमें, यह है कि एनी मेथड मीन का 3 में से, एनी मेथड पिछले साल भी हुई थी, ये कंडीशन लगी थी, मतलब आउट ऑफ 3 यू कैन अप्लाई एनी मेथड, इट इज़ नॉट कंपल्सरली विल बी टोल्ड कि भाई आपको यही मेथड लगाना है। बाकी डायरेक्ट शॉर्टकट, स्टेप डिविएशन, और जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं हिस्टोग्राम की, लेस देन ओजीव की, और फाइंडिंग द मोड यूजिंग हिस्टोग्राम, वो सब कुछ है, सिर्फ रॉ और अरेड डाटा के लिए मीन मीडियन मोड। मुझे मैं अगर मोटे तौर पे बोलूँ तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी चली जाएगी, तो मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ मीन मीडियन मोड के चैप्टर के बारे में भी सारा डिटेल में इन माई नेक्स्ट कमिंग वीडियोज़, ठीक है। तो बाकी जो हम अजीव्स से फाइंड आउट करते थे मीडियन, इसमें वो सब कुछ है, अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल, मिड रेंज, एवरीथिंग, इंटरक्वार्टर रेंज, एवरीथिंग हैव बीन इंक्लूडेड। सिर्फ गया क्या रॉ, मतलब जो छोटी क्लास का काम होता था पहले हम करते थे, अभी हम इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बात रही, ये समरी है पोर्शंस रिमूव्ड की। फिर से एक बार आप सबके लिए बता रही हूँ, चैप्टर 7, 10, 15 और 18, 20, 24 में से पोर्शंस रिमूव हुए हैं, और जो रिडक्शंस, सॉरी टोटली चैप्टर रिमूव हुए हैं, विच आर दोज, चैप्टर 3, 11, 16 एंड 19। ओके तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर माय दिस वीडियो। होप आप सबको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिली है। आप सबको कोई भी जो है क्वेरी है,
कोई कन्फ्यूजन है आपकी बुक के रिगार्डिंग या जो है हमारी सेलिना पब्लिकेशंस के रिगार्डिंग, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी इन द कमेंट्स. पिछले साल भी हमारा जो रिड्यूस्ड सिलेबस वाली जो वीडियो थी, इट वेंट सो वेल, उसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, वो भी ऐसे ही बनाई गई थी. होप यू विल लाइक दिस वीडियो. तो लाइक किया है तो अगले वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून्ड रहें, एंड डोंट forget to subscribe to the channel and press the bell icon so that जैसे ही information आए board से, council से, सीधी direct आपके पास पहुँच जाए. So thank you very much to you all.